बाय स्वीट आर्ट, चल राजा। हाँ मामा। अरे चलो। अरे राजा रुक 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 रुक, सुन कहाँ चल रहा है तू? हम भी चलेंगे। हाँ अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ में बहुत डर लगता है। अरे चलना राजा। हाँ घर जाना राजा, पहले मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ से टिकट कराऊंगा, फिर तू चले जाना, ठीक है? नहीं मामा हम साथ में चलेंगे। हाँ ऑटो पकड़ा देना, हम चले जाएंगे। ट्रेन पकड़ा देना, नहीं ट्रेन नहीं पकड़ाओगे ना तो हम पैदल चले जाएंगे, ट्रेन की पटरी पकड़ के। हाँ अरे राजा ऐसे पटरी पटरी कोई जाता है क्या, और रिक्शे से जाता है कोई इतनी दूर है? मैं टिकट करा रहा हूँ, चले जाना, डर मत तू, ठीक है? आराम से रुक, मैं आता हूँ फिर टिकट हो जाएगा, चले जाना। ठीक बा मामा। और तुझे डर लग रहा है ना राजा? हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ तो मैं एक चीज दे रहा हूँ तेरे लिए, ले ये। अरे फंस गई। ये देख, तूने उस दिन रात को भगवान का नाम लिया था ना? हाँ, भगवान का नाम लिए थे। भूत भाग गया था ना? हाँ भूत भाग गया था। बस देख मेरे पास कभी कोई भूत नहीं आता इस माला की वजह से। तो गया छोटू, तू तो गया। और मैं मामी को बोल देता हूँ, बोल दिया है उनको कि तेरे को आलू का पराठा और सूजी खिला दे। अरे मैं रात भर सोया नहीं, मेरी सूज गई, मैं सूजी का हलवा क्या खाऊंगा? ठीक है ठीक है ठीक है, तू कुछ मत खा, आराम से बैठ। मैं टिकट करा के आ रहा हूँ। मामा टिकट नहीं कराया ना तो समझ लेना फिर। हाँ। मामा भांजे की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ अरे नहीं नहीं भांजे, टिकट हो जाएगा तेरा मेरे प्यारे लाल। अरे बस 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 बस। अरे बैठ 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 बैठ, बैठे रहना बैठे रहना। माला जब सौ 99, 98, 97, 18, 20, 25, 12, 13, 95. पाँच तीन दो सौ 99, 98, 97, 65, 50. अरे क्या मामी, पहले से डरा हुआ हूँ, आप और मुझे डरा रही हो। तो तू आंख बंद करके हॉरर फिल्म देख रहा है क्या? नहीं। तो दिन में भी डर रहा है? अब कौन सा भूत है यहाँ पे? अब तो दिन है ना? हाँ हाँ दिन है। अरे तेरे पास ये माला है ना? हाँ हाँ है ना? हाँ। तो तू डरता क्यों है? कपड़े धोने हैं ना? हाँ हाँ मामी कपड़े धोने। बैठ जा। हाँ अच्छा मामी। पहले खाना खा ले। हाँ खा ले। अच्छा खा ले और फिर कपड़े धोने चलते हैं। मामी कुछ मीठा उठा हो जाए, कुछ और है क्या? अभी पेट नहीं भरा है, सारा खा गया। हाँ बेटा इतना ज्यादा खाना खाएगा ना तो पता है तेरे अंदर शैतान आ जाएगा। हाँ तू अभी खा खा के थक गया होगा ना, है ना? हाँ हाँ थक गया। हाँ तो तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और आराम से सो जा, क्योंकि अगर तू यहाँ पे सोएगा तुझे डर भी लग सकता है। डर लगेगी है ना? हाँ। तो तू बेडरूम में जा और आराम से चुपचाप सो जा। अच्छा तो जब तू उठेगा मैं तेरे लिए लंच बना दूंगी, ठीक है? अब प्यारी प्यारी कहानियां नहीं सुनाओगी? हाँ सुना दूंगी। हाँ ठीक है अभी तू जा। जाता हूँ। जा मेरे कपड़े धुल देना। हाँ कपड़े धो दूंगी।
तू जा ना, धो दूंगी। तू जा। पूरे रिश्तेदारों ने दिमाग खराब किया, चूहे की तरह कुतर गया सब कुछ। आने दो अविनाश को, सारा राशन खा गया, इतना खाता है, पूरा दिन बर्बाद कर दिया इसने। इतना काम तो कभी मैंने मायके में भी नहीं किया था। आने दो अविनाश को, बताती हूँ उसको। पता नहीं इंसान है या बर्म्यूडा ट्रायंगल, कितना भी डालते जाओ इतना खाता है, जाता कहाँ है? जीजी पूरा दिन खाना बनाती रहती है क्या? अब कौन आ गया? जीना हराम कर रखा है मेरा। पार्सल? अच्छा ठीक है, थैंक यू। झुमरू बेटा, इतनी भी ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ा जाएगा। पर ये मेरा नाम क्यों लिखा है? चल छोड़ो। देखते हैं झुमरू ने क्या भेजा है। अरे वाह 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 झुमरू, क्या घुमरू भेजे, चन चन चन। अब देखना राजा, तेरा कैसे भूत बनाती हूँ मैं। ठीक है, सिंदूर, तेरा मूवी ऐसे लाल नहीं हो गया ना, मैं अपना नाम बदल दूंगी। वाह, जितना खाना खाया है ना बेटा, वो सब निकलेगा। क्या बात है झुमरू। अरे हाँ, हेलो अविनाश, झुमरू को बोलो यार इतना ओवर ना करे, पकड़े गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे क्या पार्सल भेजा उसने? वही सेम जादू टोना, सिंदूर और क्या। नाउ इज मेंशन माय नेम आल्सो। पार्सल पे और कहाँ? कुछ लफड़ा हुआ ना, पकड़े गए ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अभी क्या, तुम्हारे महाराज के लिए कपड़े धोऊंगी, सो रहे हैं जनाब वहां पे। तुम आओ घर, तुमसे बदला लेती हूँ मैं सारा। और खाने के लिए पिज्जा लाना, मैं खाना नहीं बना रही। ठीक है। छपरी बाबू कहाँ हो? जी मालिक। हाँ झुमरू, क्या हाल है? सब बढ़िया है। वाह बेटा, खूब मजा आ रहा है डराने में। हा? डराने के लिए अच्छा सामान भेज दिया तूने। हाँ अरे मैंने कोई सामान नहीं भेजा है। अरे लगता बहुत पैसे आ गए, पार्सल पे पार्सल भेजे जा रहा है। भाई बस कर, इतना भी मत डरा। वैसे एक बात है, तूने पार्सल में सामान बड़ा अच्छा भेजा है डराने के लिए। अरे सर मैंने कुछ नहीं भेजा है। क्या तेरी मालकिन झूठ बोलेगी क्या? उनका फोन आया था मेरे पास में, वो बता रही थी तूने पार्सल में वो क्या बोलते हैं, चूड़ी सिंदूर पता नहीं क्या क्या भेजा है। सही सही याद कर अच्छे से। क्या बताऊं सर, मैंने ऐसा कुछ सामान नहीं भेजा है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? अच्छा अब तू मुझे डराएगा? भाई होश में रह, मेरे तक मत आ,
अब आ गया, झूठ भी बोलने लगा है। ना ना मालिक, मैंने कुछ नहीं भेजा है, पक्का। अच्छा जी मालिक। चलो भाई, महाराज के कपड़े धो देते हैं। इतना भारी बैग है, क्या बताएं। आ, तू, छोटू, तू, तू, तू यहाँ कैसे आया? हाँ? मुझे यहाँ क्यों ला दी? मैं तुझे लाई यहाँ पे। तू मस्ती कर रहा है मेरे साथ? अरे नहीं, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बेड पे जाके सो रहा था। तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। आए, यहाँ पे मैं कैसे आ गया? तू बेड पे था? हाँ, मैं बेड पे सोया था ना। अच्छा, ठीक है। तू एक काम कर, तू बेड पे जा, तू सो जा, जा बेटा जा, जा जा जा। इसके कपड़े कहाँ गए? कपड़े इधर नहीं डाले। कपड़े यहाँ कैसे आए? तुम सुबह से अविनाश, सुबह से इंतजार कर रही हो? अरे यार, इतना थक गया हूँ, क्या बताऊँ। लेकिन तुम तो घर में ही थी, तुम्हें तो ऐसी बढ़िया कंपनी मिली है राजा की। हाँ, काहे की कंपनी, सुबह से इसने नाक में दम कर रखा है। एक तो मैंने उसके लिए खाना बनाया इतने प्यार से, मेरे हाथ देखो, और उसने पता है क्या किया, सूटकेस में आकर बैठ गया। मुझे डरा रहा था, मुझे। वो तो अच्छा हुआ कि माइक्रोवेव में नहीं बैठा, नहीं तो वहीं पे उसको भून के ना, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के ना, तुम्हारे उस झुमरू को खिला देती। अरे झुमरू से याद आया, मैंने उससे बात की थी, वो बोल रहा है कि मैंने कुछ भेजा ही नहीं है। भेजा? हाँ। तो फिर ये किसने भेजा? दिखाओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुम तो बोल रहे थे वो घुंघरू है, नींबू है, सिंदूर है। कहाँ गया? तुम्हारा दिमाग ना थोड़ा सा गर्म हो गया है, एक्चुअली तुम सोई नहीं हो। जल्दी से मुझे तुम कुछ खिला दो, ठीक है, फिर तुम आराम करना। सूजी बची है, खा लो जाके। सूजी तो राजा के लिए रखो, चलो। कुछ और खाते हैं, आ जाओ। क्यों, पिज्जा नहीं लाए?